क्या महिलाओं की तरह पुरुषों के अंदर भी मेनोपॉज की कंडीशन आती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर गुरवा। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। मेरी सदैव कोशिश रहती है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। मेरी सदैव कोशिश रहती है कि सेक्स को लेके जो भी भ्रम है मैं उसको दूर कर पाऊं। आज हम उसी को लेके हम आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, महिलाओं की के अंदर क्या है कि जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी उम्र 40 प्लस होती है, 45 प्लस होती है, 50 के आसपास आती है, तो उनके अंदर हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है और उनका पीरियड बंद हो जाता है, उनके मेनोपॉज की कंडीशन शुरू हो जाती है। उनके अंदर काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं। पुरुषों की कंडीशन इससे थोड़ी डिफर होती है। क्या होता है कि एज जैसे बढ़ती है तो उसका इफेक्ट भले महिला हो भले पुरुष हो, दोनों के ऊपर आता है। उस कंडीशंस के अंदर जैसे फीमेल्स के हार्मोन कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेल्स के जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस कंडीशंस के अंदर मेल्स के अंदर कई समस्याएं आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे उसके अंदर नींद कम आती है, उनके अंदर इरेक्शन में समस्या आने लग जाती है, उनके अंदर एक प्रकार बॉडी मास इंडेक्स कम हो जाता है, उनके अंदर मान लो डिप्रेशन आने लग जाता है, एंजाइटी रहने लग जाती है, एक प्रकार से उनके अंदर वीकनेस महसूस होने लग जाती है, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप के सिम्टम उनके अंदर महसूस होने लग जाते हैं। उस कंडीशन को कई बार बोलचाल की लैंग्वेज के अंदर मेल मेनोपॉज कहा जाता है। परंतु क्या होता है कि यदि पुरुष चाहते हैं, यदि पुरुष हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलोअप करते हैं, तो इस कंडीशन को काफी हद तक वो रोक सकते हैं। यदि पुरुष मान लो क्या है कि हेल्दी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री रहे, और जो नशे हैं जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या कुछ भी चीज करते हैं उनसे दूर रहें, और मन को या माइंड को शांत रखें, एंजाइटी को या स्ट्रेस को हावी ना होने दें, तो इस कंडीशंस को काफी हद तक रोक सकते हैं। यदि किसी पर्सन के अंदर इस टाइप का इफेक्ट आने लग जाता है, यदि मानो क्या है कि उनके अंदर उनको लगता है कि उनके अंदर नींद कम आ रही है, एक इरेक्शन में कमी आ रही है, जैसे उसके अंदर मान लो कि उम्र बढ़ने के इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर उनको घबराना नहीं चाहिए। उनको क्या है कि अपने किसी अच्छे डॉक्टर से या एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपने हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की जाँच करवानी चाहिए। अगर वो कम आ जाता है तो डॉक्टर के हिसाब से आप उनकी मेडिसिन या सलाह की पालना करेंगे, तो काफी हद तक चांस है कि आप उन चीज से निकल सकते हैं। धन्यवाद।